स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम जमील अमन समो, योर बायोलॉजी टीचर। टुडे वी विल स्टडी द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 8, दैट इज रिप्रोडक्शन इन द मेंबर्स ऑफ डिवीजन जाइगोमाइकोटा, डिवीजन एस्कोमाइकोटा एंड डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा। अज अस चैप्टर नंबर 8 जो नये टॉपिक्स पढ़ंदे तो रिप्रोडक्शन जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स में कीअं थींदी आहे। त सभ खां पहिरियां असां स्टार्ट कयूं था कॉन्जुगेटिंग फंजाए, यानी ज़ाइगोमाइकोटा जे मेंबर्स में रिप्रोडक्शन। त असां पंहिंजे डायग्राम जे तरफ़ अचूं था। इन में फंजाए ज़ाइगोमाइकोटा जी आहे, जंहिंजी हीअ ए में लिखियलु आहे सोमेटिक हाइफा। हिकिड़ी बॉडी हाइफा आहे जेका पंहिंजी जीअं ग्रोथ कंदी आहे त इन मां हिकिड़ियूं हॉरिज़ॉन्टल ब्रांचिस निकिरंदियूं आहिनि, जिन खे चइबो आहे राइज़ोइड्स। राइज़ोइड्स खां पोइ इन मां हिकिड़ियूं वर्टिकल ब्रांचिस निकिरंदियूं आहिनि, जंहिंजे टिप ते ओवल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हूंदियूं आहिनि, जिन खे चइबो आहे स्पोरनि जी आहे। त ही ओवल स्ट्रक्चर स्पोरनि जी आहिनि, हीअ हॉरिज़ॉन्टल जेके ब्रांचिस आहिनि डाउनवर्ड लेटियल आहिनि, इन्हनि खे चइबो आहे राइज़ोइड्स। जेके वर्टिकल हाइफा आहिनि जिन जे टिप ते स्पोरनि जी आहे मौजूदु आहिनि, इन्हनि खे चइबो आहे स्पोरनि जो फोर। त हीअ स्पोरनि जो फोर आहिनि, हीअ स्पोरनि जी आहिनि, हीअ राइज़ोइड्स आहिनि जेके डेवलप थी वञनि कंहिंमां हिकु सोमेटिक हाइफा मां, जंहिंखे असां लेबल कयो आहे ए। ए सोमेटिक हाइफा आहे, ग्रोथ करे बी स्ट्रक्चर ठाहे थी। इहे बी स्ट्रक्चर सोमेटिक हाइफा मां डेवलप थी, जंहिंमां बेस ते राइज़ोइड, वर्टिकल हाइफा स्पोरन जो फोर ऐं उनजे टिप ते ओवल स्ट्रक्चर स्पोरन जी आहिनि। हाणे स्पोरन जीअं जे अंदरि छा ठहंदा आहिनि, हेप्लाइड असेक्सुअल स्पोर ठहंदा आहिनि, जिन खे चइबो आहे स्पोरन जो स्पोर्स। पोइ जॾहिं केतिरा ई स्पोरन जो स्पोर्स पैदा थी पवंदा आहिनि त ही स्पोरन जीअं ब्रस्ट कंदी आहे। इन जे ब्रस्ट थियण सां केतिरा ई माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ॿाहिरि निकिरी करे हवा जे मथां सां डिस्पर्स थी वेंदा आहिनि, ऐं जॾहिं सुइटेबल प्लेस ते जर्मिनेशन कंदा आहिनि त उन मां न्यू हाइफा थियणु शुरू थी वेंदी आहे। त ही जेका सी स्ट्रक्चर आहे उहा स्पोरन जो स्पोर जी आहे। हीउ स्पोरन जो स्पोर जर्मिनेशन करे थो पियो, ऐं जर्मिनेशन करे जॾहिं ग्रोथ करे थो वरी सोमेटिक हाइफा ठहे थो। त ही जेका रिप्रोडक्टिव साइकिल लिखियलु आहे उहा आहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द मेंबर्स ऑफ डिवीजन ज़ाइगोमाइकोटा। इन खां अलावा अहिड़ी रिप्रोडक्शन असां ॿी फंगस में ॾेखारी आहे, जंहिंजो तालिक़ु बि डिवीजन ज़ाइगोमाइकोटा सां आहे। हीअ उनजी सोमेटिक हाइफा आहे, जॾहिं पंहिंजी डिवलपमेंट करे थी त उन मां हीअ बी स्ट्रक्चर ठही आहे, जंहिंमें बेस में राइज़ोइड्स आहिनि, वर्टिकल हाइफा स्पोरन जो फोर आहिनि, ऐं उनजे टिप ते ओवल स्ट्रक्चर स्पोरन जी मौजूदु आहिनि, जिन में छा था पैदा थियनि, एप्लाइड असेक्सुअल स्पोर्स, जिन खे चइबो आहे स्पोरन जो स्पोर्स, ऐं उहे जर्मिनेशन करे डी था ठहनि, ऐं डी जेका आइफ आहे उहा वरी ए खे ठहे थी। त हेॾे बि असां असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खे मेंशन कयो आहे। हाणे हेॾे जेका डी आइफ आहे, सपोज कयो या गेमेटेनजियम जो कमु करे थी, ऐं जेका हेॾे डी आइफ आहे ठही आहे इहा बि गेमेटेनजियम जो कमु करे थी। हे जेके ॿ अपोज़िट गेमेटेनजिया ॿिनि अलॻि अलॻि स्पोर्ट्स मां ठही वियूं आहिनि, उन मां हिकिड़े खे असां पॉज़िटिव मेटिंग टाइप करे रिप्रेजेंट कयो आहे, ॿिए खे नेगेटिव मेटिंग टाइप जी जेको आहे साइन ॾेई करे रिप्रेजेंट कयो आहे, यानी अपोज़िट साइंस। इहे ॿ जेके गेमेटनि जी आहिनि इहे पाण में मिलनि थियूं। हेॾां जी नेगेटिव डी आइफ आहे जेका गेमेटनि जी आहे, इहे पॉज़िटिव डी आइफ आहे, अपोज़िट मेटिंग टाइप वारियूं आहिनि। जॾहिं पाण में मिलनि थियूं अचे त हीअ डी आइफा बि मोनोकेरियोटिक हूंदी आहे, हीअ डी आइफा बि जेका आहे उहा मोनोकेरियोटिक हूंदी आहे। हिन में सभई न्यूक्लिया हिकु जहिड़ा हूंदा आहिनि, हिन जा सभई न्यूक्लिया पाण में हिकु जहिड़ा हेप्लाइड हूंदा आहिनि। जॾहिं पाण में फ्यूज़ थींदा आहिनि त हिननि जे फ्यूअन वारे अमल खे चइबो आहे प्लाज़्मोगेमी। जॾहिं प्लाज़्मोगेमी थींदी आहे त सेंट्रल पार्ट जिते फ्यूअन थिए थी पई उते हिकु नई हाइफा ठही पवंदी आहे, जंहिंमें ॿिनि क़िस्मनि जा न्यूक्लिया गॾु हूंदा आहिनि। इनखे चइबो आहे प्लाज़्मोगेमी खां पोइ वारी छेल हाइफा खे चइबो आहे हीटरोकेरियोटिक हाइफा या डाइकेरियोटिक हाइफा। पोइ उन हीटरोकेरियोटिक या डाइकेरियोटिक हाइफा में ॿ अपोज़िटिक मेटिंग टाइप वारा हेप्लाइड न्यूक्लिया पाण में फ्यूज़ थी वेंदा आहिनि त ज़ाइगोट ठहंदो आहे, ऐं ज़ाइगोट जेको हूंदो आहे फौरी तौर ते मियाटिकली डिवाइड थी करे छा पैदा कंदो आहे ज़ाइगोस्पोर। ज़ाइगोस्पोर जॾहिं पंहिंजी जर्मिनेशन कंदो आहे त उन मां वर्टिकल हाइफा निकिरंदी आहे स्पोरन जो फोर, ऐं उनजे टिप ते डेवलप थी पवंदा आहिनि स्पोरन जी आहे। स्पोरन जी में वरी जेको आहे पैदा थींदा आहिनि स्पोरन जो स्पोर्स, ऐं स्पोरन जो स्पोर जर्मिनेशन करे वरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंदा आहिनि। त सेंटर ते जेको आहे उहो असां मेंशन कयो आहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खे, साइड सां मेंशन कयो आहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खे। त असां हिन नतीजे ते पहुतऊं त इन डिवीजन ज़ाइगोमाइकोटा जे मेंबर्स में रिप्रोडक्शन असेक्सुअल बि थिए थी त सेक्सुअल बि थिए थी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थींदी आहे बाए स्पोरन जो स्पोर,
ऐं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थींदी आहे बाय ज़ाइगोस्पोर। इन में मोर फ्रीक्वेंट रिप्रोडक्शन जो मेथड जेको हूंदो आहे उहो हूंदो आहे असेक्शुअल बाय स्पोरन जो स्पोर। ज़ाइगोस्पोर ठहण जे करे असां इन डिवीजन जे मेंबर्स खे चयूं था ज़ाइगोमाइकोटा, ऐं इन्हनि जूं जेके बि सोमेटिक हाइफ आहिनि उन्हनि में के बि सेप्टा या क्रॉस वाल न हूंदा आहिनि। तव्हां ॾिसो हिन में के बि क्रॉस वाल न आहिनि, इन जो हाइफा एसेप्टेड या नॉन सेप्टेड हूंदियूं आहिनि। पर हा इन्हनि में सेप्टा अपीयर थींदा आहिनि जॾहिं ॿ गेमेटनि जा पाण में फ्यूज़ थींदियूं आहिनि, त फ्यूअन वारी एरिया खे अनफ्यूज़ एरिया खां अलॻि करण जे लाइ दरमियान में छा अची वेंदा आहिनि, सेप्टा अची वेंदा आहिनि। त सेप्टा डेवलप थींदा जॾहिं गेमेटनि जा पाण में फ्यूज़ थियूं थियनि, एरिया फ्यूअन खे अनफ्यूज़ पोर्शन खां अलॻि करण जे लाइ सेप्टा अची वेंदा आहिनि। बाक़ी जेके बि सोमेटिक हाइफा हूंदा आहिनि उनमें सेप्टा मौजूदु न हूंदा आहिनि। त इहो मेन करेक्टर हूंदो आहे ज़ाइगोमाइकोटा जे मेंबर्स में, त इन जो सोमेटिक हाइफा नॉन सेप्टेड या एसेप्टेड हूंदा आहिनि। इन खां अलावा हाणे असां पढ़ंदासीं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मेंबर्स ऑफ डिवीजन एस्कोमाइकोटा, जिन खे असां सेक फंजाए चवंदा आहियूं। हींअर असां पढ़ंदासीं रिप्रोडक्शन इन द मेंबर्स ऑफ डिवीजन एस्कोमाइकोटा यानी एस्कोमाइसिट्स, दे आर कॉल्ड एज सेक फंजाए। सेक फंजाए में रिप्रोडक्शन जो मेथड कीअं थींदो आहे, त डियर स्टूडेंट यादि रखो जेके एस्कोमाइकोटा जा मेंबर हूंदा आहिनि उन्हनि में रिप्रोडक्शन असेक्सुअल बि थींदी आहे, सेक्सुअल बि थींदी आहे। मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ डिवीजन एस्कोमाइकोटा इज बाय कोनिडियो स्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दौरान फंजाए में कोनिडियो स्पोर्स ठहंदा आहिनि। हाणे एक्चुअली हीअ हिकिड़ी हाइफा आहे, उन हाइफा मां ही कोनिडियो स्पोर ठहंदा, सेप्टम इन्हनि खे कट ऑफ कंदा, कोनिडियो स्पोर्स रिलीज़ थी हवा में डिस्पर्स थींदा। जॾहिं कोनिडियो स्पोर जर्मिनेशन कंदा त न्यू माइसिलियम ठहणु शुरू थी वेंदी। दिस इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया। ही कोनिडिया हेप्लाइड असेक्सुअल स्पोर्स आहिनि, पर इहा मोर फ्रीक्वेंट रिप्रोडक्शन हूंदी आहे बनस्पत सेक्सुअल जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बि थींदी आहे पर मोर फ्रीक्वेंट रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल बाय कोनिडियो स्पोर्स एंड मोस्ट मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइकोटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दौरान फंजाए में ॿ गेमेटन जी डेवलप थींदियूं आहिनि एस्कोमाइकोटा जे मेंबरनि में। हिकु मेल गेमेटन जी हूंदी आहे जंहिंखे एंथ्रीडियम चइबो आहे, जंहिंमें हेप्लाइड मेल न्यूक्लिया हूंदा आहिनि। ॿी हूंदी आहे फीमेल गेमेटनियम जंहिंखे एस्कोगोनियम चइबो आहे, जंहिंमें हेप्लाइड फीमेल न्यूक्लिया हूंदा आहिनि। एंथ्रीडियम में जेके न्यूक्लिया हूंदा ऑल विल बी आइडेंटिकल। एस्कोगोनियम में जेके न्यूक्लिया हूंदा ऑल विल बी आइडेंटिकल। त एस्कोगोनिया जा न्यूक्लिया पाण में हिकु जहिड़ा हूंदा, एंथ्रीडिया वारा न्यूक्लिया पाण में हिकु जहिड़ा हूंदा, पर जॾहिं ॿई एंथ्रीडियम ऐं एस्कोगोनियम पाण में मिलंदियूं त अमल खे चइबो आहे प्लाज़्मोगेमी। हाणे उहे मिलंदियूं कीअं न, त हिकु बीक लाइक आउट ग्रोथ ठही पवंदी आहे एस्कोगोनियम मां, चुंब वांगुरु हिकिड़ी बनावत, उनखे चइबो आहे ट्राइकोगाइन। दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज़ ट्राइकोगाइन। इहे चुंब वांगुरु जेका बनावत आहे, ट्यूब आहे। इहो एस्कोगोनियम ऐं एंथ्रीडियम खे पाण में मिलाईंदो आहे। एस्कोगोनियम छा कंदी आहे, इहा न्यूक्लिया रिसीव कंदी आहे कंहिं मां, एंथ्रीडियम मां। हाणे पहिरियां ॾिसो एंथ्रीडियम में बि न्यूक्लिया आहिनि एस्कोगोनियम में बि, पर हिते ॾिसो प्लाज़्मोगेमी खां पोइ एंथ्रीडियम खाली थी वई आहे, एस्कोगोनियम में पंहिंजा न्यूक्लिया बि आहिनि ऐं इन में एंथ्रीडियम वारा न्यूक्लिया बि आहिनि। एज अ रिज़ल्ट छा थियो, त एस्कोगोनियम बिकम्स डाइकेरियोटिक। एस्कोगोनियम डाइकेरियोटिक थी वई। डाइकेरियोटिक माना इट कंटेन टू टाइप ऑफ न्यूक्लिया। हिकिड़ा हुन में ओन न्यूक्लिया आहिनि पंहिंजा, ॿिया एंथ्रीडियम वारा। हाणे इन एस्कोगोनियम खे चइबो इहो डाइकेरियोटिक आहे। इन डाइकेरियोटिक एस्कोगोनियम में ॿिन्हिनि क़िस्मनि जा न्यूक्लिया विरिहाइजी करे पंहिंजो नंबर वधाईंदा, ऐं जॾहिं हुननि जो नंबर वधंदो त पोइ ॿ ॿ न्यूक्लिया पाण में पेयर कंदा, ऐं पेयरिंग खां पोइ हुन में सेप्टम ईंदा वेंदा। ॿिनि सेप्टम जे विच में ॿ ॿ न्यूक्लिया हूंदा, हिकु एंथ्रीडियम वारो हिकु एस्कोगोनियम वारो। त लिहाज़ा एस्कोगोनियम मां डाइकेरियोटिक ब्रांचिस डेवलप थी पवंदियूं। बाक़ी हेठि जेके आहिनि उहे मोनोकेरियोटिक ब्रांचिस आहिनि। पोइ मोनोकेरियोटिक ऐं डाइकेरियोटिक ब्रांचिस गॾिजी करे फ्रूटिंग बॉडी ठाहींदियूं आहिनि, जिन खे एस्कोकार्प चइबो आहे। इन एस्कोकार्प में जेको हर डाइकेरियोटिक सेल आहे उनखे एस्कस चइबो, प्लूरल आहे उनजो एस्क आहे। हर एस्कस में कैरियोगेमी थींदी आहे, ॿ हेप्लाइड न्यूक्लियस मिली करे हिकु डिप्लाइड ज़ाइगोट न्यूक्लियस ठाहींदा आहिनि। उन ज़ाइगोट न्यूक्लियस में पहिरियां मियासिस थींदी आहे, त चार हेप्लाइड न्यूक्लिया ठही पवंदा आहिनि। चइनि एप्लाइड न्यूक्लिया में वरी माइटोसिस थींदी आहे, अठनि एप्लाइड न्यूक्लिया ठही पवंदा आहिनि। हर हिकु न्यूक्लियस जे ॿाहिरां थिक कोट ठही पवंदो आहे, त हिनखे चइबो एस्को स्पोर्स। त हिकु एस्कस जे अंदरि 8 एस्को स्पोर पैदा थी पवंदा आहिनि। पोइ जॾहिं एस्को कार्प में जेतिरियूं बि एस्काए हूंदियूं सभु बर्स्ट कंदियूं, त एस्को स्पोर्स ॿाहिरि रिलीज़ थी वेंदा ऐं जर्मिनेशन करे न्यू माइसिलियम ठाहींदा। न्यू माइसिलियम जेको आहे न्यू फंजाए खे पैदा कंदी। त पोइ इते असां पढ़ियोसीं ॿ शयूं,
त एक इन में प्लाज्मोगेमी थी बो उन में कैरियोगेमी थी पर याद रखो एस्को माइकोटा बेसिडियो माइकोटा के मेंबरन में कॉन्जुगेटिंग फंजाए या जायगो माइकोटा का यो कैरेक्टर डिफरेंट आए तो उन में प्लाज्मोगेमी का फोरी पो कैरियोगेमी नी उन में डायकेरोटिक आइफा पैदा थन्दन उ डेवलप थन्दन ए फ्रूटिंग बॉडी ठाद्यून जैसे जायगो माइकोटा के मेंबर में का भी फ्रूटिंग बॉडी न पी ठे उन बाद में असाईदे तो 3000 जिन्सों एस्को माइकोटा में तो हर एक जिन्स में जहाँ एस्कस बरस्टिंग कन्दी उन स्पोर्स रिलीज थन्दा सभी में एस्कस के बरस्टिंग जो मेथड एक जड़ो न हों के अड़े किस्म जो एस्को माइकोटा में फंजाए मौजूद होंदन हे उन एस्को कार्प है बहरी एस्को कार्प ही है स्फेरिकल उन अंदर ही टे एस्काए रखारियल हर एस्कस में 8 स्पोर रेखारियल जिनके असा छा एस्को स्पोर्स वो अड़े किस्म की एस्को कार्प जो स्पेरिकल हो उनकी एस्कस टुटी कर स्पोर रिलीज कन्दी तो एस्कस के बरस्टिंग दौरान उनमें पोर पैदा थी पवन अड़े किस्म की एस्को कार्प के चब सेलिस्टोथीसियम सेलिस्टोथीसियम चाहे एस्को कार्प है यानी फ्रूटिंग बॉडी आ शेप कड़ी तरह स्पेरिकल ठीक है वह जैसे स्पेरिकल या ओवल सेलिस्टोथीसियम बरस्ट थी कर एस्कस तो हर एस्कस के बरस्टिंग पैदा थी पे पोर उन अलावा के फंजाए अड़ी होंद जिनकी फ्रूटिंग बॉडी या एस्को कार्प की होंगी ओनियन लाइक माना बसर वागुर इनके ये एस्को कार्प है दैट इज ओनियन लाइक इन एस्को कार्प के अंदर ये एस्काए मौजूद आन टे हर एस्कस में 8 स्पोर जिनके एस्को स्पोर चब अड़ी एस्को कार्प जहाँ ओनियन लाइक होंगी उन जो एस्कस जैसे बरस्त थी स्पोर रिलीज करने के लिए तो उन में स्लिट पैदा थी पवी अड़े किस्म की एस्को कार्प जहरी अपीयरेंस में ओनियन लाइक हुए उन एस्कस बरस्त करे तो सिल्ट पैदा थी पे सिल्ट के थ्रू स्पोर रिलीज थन इनके चब पेरीथीसियम उनका अलावा के एस्को कार्प अड़ी होंद सासर लाइक होंदन जो सासर लाइक एस्को कार्प होंद एस्काए जैसे बरस्त कन्दन तो एस्का के बरस्टिंग दौरान उनके टिप से लिड ठही पवी जैसे लिड ओपन कन्दी तो एस्को स्पोर्स रिलीज थी वादा अड़े किस्म की एस्को कार्प जहाँ बजाते खुद सासर लाइक हुए एस्कस बरस्ट कर लिड के थ्रू स्पोर बाहर रिलीज थन अड़े किस्म की एस्को कार्प के चब एपोथीसियम तो देयर आर वैरायटी ऑफ एस्को कार्प्स एस्को कार्प जहाँ मुख्तलिफ टाइप सेलिस्टोथीसियम पेरीथीसियम एपोथीसियम सेलिस्टोथीसियम जहाँ खुद स्फेरिकल होंगी एस्कस बरस्त कन्दी तो पोर ठहन पेरीथीसियम खुद की होंगी है ओनियन लाइक होंगी जैसे बरस्त थी तो सिल्ट ठहंदी एपोथीसियम जहाँ होंगी है खुद सासर लाइक होंगी जैसे उन जो एस्कस बरस्त थन्दन तो उनमें लिड पैदा थी पवी तो ये मेथड आन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ एस्कस के बरस्टिंग जहाँ बरस्टिंग दौरान डिफरेंट स्ट्रक्चर छण जहाँ इन डिवीजन में जेनेटिकली इंपॉर्टेंट मेंबर आ न्यूरोस्पोरा एस्कोस्पोरा में जो जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल किया वो बीडल एंड टेटम ऑलरेडी पढ़ियल इन में एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मेंबर बो भी जैसे असा छा जैसे छींदा यीस्ट जो नान एफल यूनिसेल्युलर फंगस है तो इन में भी रिप्रोडक्शन बई थी यीस्ट में यीस्ट में रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी थी यीस्ट में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी थी पर फर्क तो जैसे यीस्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी तो बाय बडिंग थी उन में एक वे सेल में नंढड़ी आउटग्रो थी बड डेवलप थी वन बड पे पेरेंट्स सेल का अलग थी कर नई यीस्ट जो कम कन्दन तो इनके चब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग पर यीस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी थी ब यीस्ट जहाँ सेल पान में मिली वादा एक डायकेरोटिक सेल ठही पवन उन डायकेरोटिक सेल में ब न्यूक्लिया गडू हूँ उ ब न्यूक्लिया फ्यूज थी वह कैरियोगेमी थी तो एक जायगोट न्यूक्लियस चवो जायगोट न्यूक्लियस में पे मियासिस बाद में माइटोसिस मियासिस के रिजल्ट में एक जायगोट में 4 एप्लाई न्यूक्लिया ठहंदा वरी माइटोसिस के रिजल्ट में 4 में 8 एप्लाई न्यूक्लिया ठहंदा हर एक के बाहर थिक कोट ठहंदो तो एस्को स्पोर ठही पवंदा तो ये अस एग्जाम्पल लिखल सीजियो सेक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस आक्टा माना 8 ये अड़े किस्म की यीस्ट है जहाँ बरस्टिंग कन्दी तो उन 8 एस्को स्पोर बाहर निकलना है तो यीस्ट में रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी है यीस्ट में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी है हाँ यीस्ट जो वैरायटीज यीस्ट फर्मेंटेशन में यूज थी खोमेरजन के अमल में बीयर में बीयर के तैयार कर में वाइन के तैयार कर में बीयर पैदा थी बारले के फर्मेंटेशन से वाइन तैयार थी ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रिविंग इंडस्ट्री में यीस्ट इस्तेमाल थी
पर याद रखो तो यीस्ट जा मुख्तलिफ किस्म रोडोटूला जैसे पिंक यीस्ट चब शावर कर्टेन से ग्रोथ कही या सेप्रोट्राफिक होंगी फर्मेंटेशन में जो यीस्ट इस्तेमाल इनके चबा सेक्रियोमाइसिस सेरिवेसी सेक्रियोमाइसिस सेरिवेसी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यीस्ट है जो इंडस्ट्री में यूज थी फर्मेंटेशन के लिए उनका अलावा कैंडिडिया एल्बिकन यो भी यीस्ट जो टाइप आ जो ओरल ए वेजिनल थ्रश कराइन या पैथोजेनिक यीस्ट आ तो यीस्ट में वैराइटीज मौजूद आन तो यीस्ट यूनिसेल्युलर आ पर उन वैराइटीज उनमें मुख्तलिफ़ किस्म जो स्ट्रेन जो फायदो भी दियन थी तो नुकसान भी तो अस रिप्रोडक्शन पढ़ी थे एस्कोमाइकोटा में उनका बेसिडियोमाइकोटा में रिप्रोडक्शन ए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ी चैप्टर के खत्म कंदी। ये रेस्टोरेंट ज़ाइगोमाइकोटा का एस्कोमाइकोटा का टी जी डिवीजन है डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा जैसे मेंबर्स के बेसिडियोमाइसिट्स या अस क्लब फंजाए चवंदा उन लाइफ साइकिल के पढ़ंदे तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कें थी थे हाँ एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दौरान जो हि हाइफा एक फंगस जो मशरूम जो जो सोमेटिक हाइफा अपोजिट मेटिंग टाइप वारियो उन हाइफा जी हाइफल सेल्स वे ग्रोथ कंदा एक पॉजिटिव मेटिंग टाइप जो एक नेगेटिव मेटिंग टाइप जो ये जैसे ग्रोथ कर अचन तो पान में फ्यूज था दियन हाँ तुम अगर ऐसा तो ये सेप्टेड हाइफा है इनमें क्रॉस वाल ये भी सेप्टेड हाइफा है उनमें क्रॉस वाल्स हर एक सेप्टेड हाइफा यूनिन्यूक्लिएटेड है तो हि जो अपोजिट मेटिंग टाइप वाली हाइफा ये दरमियान में पान में मिलन थी जिते पान में मिलियो फ्यून ऑफ टू हाइफल सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी तो प्लाज्मोगेमी के रिजल्ट में एक अड़ी हाइफा ठहंदी जिनमें ब न्यूक्लियाई गड होजन यानी वह डाइकेरोटिक हाइफल सेल हों उन डाइकेरोटिक हाइफल सेल में बई अपोजिट मेटिंग टाइप वाला न्यूक्लिया पाँगी क्या रिप्लिकेशन कर नंबर बधाइंदा बाद में उतना ब न्यूक्लिया अगत वा उनमें सेप्टम इंदा वा तो इतना जो ग्रोथ थी वी थी डाइकेरोटिक हाइफा की मथे जो ग्रोथ कहती वह भी मोनोकेरोटिक हाइफा हेठ भी मोनोकेरोटिक हाइफा हि डाइकेरोटिक सेल के अंदर पे न्यूक्लियर माइटोसिस के बई न्यूक्लिया बिन्न किस्म जहाँ नंबर बधाइंदा तो ब पेयरिंग कंदा वा उनमें सेप्टा इंदा वा तो एक डाइकेरोटिक हाइफा जो वजूद अची वो बाद में मोनोकेरोटिक ए डाइकेरोटिक हाइफा इंटरवोवन थी कर एक बे के चौधारी अची कर एक फ्रूटिंग बॉडी तैयार कन्दून जैसे अस बेसिडियो कार्प चवंदा चवंदा बेसिडियो कार्प तो ये बेसिडियो कार्प है फ्रूटिंग बॉडी है हाँ इन बेसिडियो कार्प फ्रूटिंग बॉडी में अस इन डाइसेट कर फकत उन डाइकेरोटिक सेल्स दिखारा जिनमें बिन किस्म जहाँ न्यूक्लिया गदायन तो हर डाइकेरोटिक सेल जो हों के बेसिडियम चब बेसिडियम जो जमा जो वो है बेसिडिया तो ये बेसिडिया जो एक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन से मौजूद हैं जिनके चब स्टिरिक मेटा जिनको जमा स्टिरिक्मा हाँ एक्चुअली हि जो डाइकेरोटिक सेल्स उनमें कैरियोगेमी यानी बे हेप्लाइड न्यूक्लिया अपोजिट मेटिंग टाइप जहाँ उ पा में मिलंदा तो एक डिप्लाइड न्यूक्लियस हर एक बेसिडियम के अंदर उन डिप्लाइड न्यूक्लियस के चब है जायगोट न्यूक्लियस जी ही जायगोट न्यूक्लियस ठही पाया हर बेसिडियम के अंदर तो जायगोट न्यूक्लियस में मियासिस चार हेप्लाइड न्यूक्लियस हर एक के चौधारी थिक कोट ठो तो बेसिडियो स्पोर्स ठही पा तो एक बेसिडियम में टोटल बेसिडियो स्पोर घना था ठन चार चार जैसे बेसिडियम ब्रस्ट कंदी तो बेसिडियो स्पोर्स रिलीज थी वेंदा बेसिडियो स्पोर जैसे जर्मिनेशन कंदा तो न्यू जो सोमेटिक हाइफा डेवलप थी पवन और न्यू फंजाए के प्रोड्यूस क्यों तो अस ऑलरेडी पढ़ो तो एक बेसिडियम घना स्पोर पैदा कंदी बेसिडियो स्पोर चार एक बेसिडियम ठहंदी है कंखा प्लाज्मोगेमी का एक बेसिडियम इनिशियली डाइकेरोटिक होंगी वहाँ ग्रोथ ए रिप्लिकेशन कर डाइकेरोटिक ब्रांचेस पैदा कंदी मोनोकेरोटिक ए डाइकेरोटिक एक बे सा इंटरवोवन थी करे फ्रूटिंग बॉडी ठाईद बेसिडियो कार्प हर बेसिडियो कार्प के बेसिडियम में ब न्यूक्लिया फ्यून कंदा अमल के चबो कैरियोगेमी कैरियोगेमी के रिजल्ट में डिप्लाई न्यूक्लियस जो जायगोट न्यूक्लियस चबो जायगोट न्यूक्लियस में मियासिस चार हेप्लाई न्यूक्लिया ठहंदा हर एक के चौधारी थिक कोट थियण का बेसिडियो स्पोर ठहंदा हर बेसिडियम में चार बेसिडियो स्पोर रिलीज थींदा जेके जर्मिनेशन करे प्रोड्यूस कंदा आहिनि न्यू फंजाए के तो यहाँ अस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी थे इन द मेंबर्स ऑफ डिवीजन बेसिडियो माइकोटा यानी जिनके असा क्लब फंजाए चवंदा तो उनका अलावा अस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाए पढ़ी करे चैप्टर के
एक्सरताम पसीर कंदासीं।